हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी जो इस रेसिपी को आप घर में ही बड़े आराम से और कम सामान में बना लोगे और आप अपने मेहमानों को भी इस मिठाई को दे सकते हो। यह मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें हम 150 ग्राम घी डाल लेंगे। ये देखिए मैं ये कटोरी ले रही हूँ, ये मैंने 1.5 कटोरी घी डाला है इसमें। अब इसमें हम 90 ग्राम दही डाल लेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसको हम हाथ से अच्छे से मसल लेंगे, बिल्कुल दही को घी में अच्छे से हम मिला लेंगे। अब ये देखिए मैंने दही को अच्छे से घी में मिला लिया है। अब इसमें हम मैदा डालेंगे, ये देखिए 1 गिलास मैदा और 1/2 और डालूंगी, ये कम से कम 200 ग्राम मैदा है। अब इसको हम इसमें अच्छे से गूंद लेंगे, इसको हम हल्के हाथ से गूंदेंगे, ज़्यादा टाइट हाथों से हमें इसे नहीं गूंदना है। इसको अच्छे से घी को मैदा में अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए 1/2 गिलास मैंने इसमें और डाल दिया है मैदा, ये कम से कम 200 ग्राम मैदा हो गई है। अब इसको हम अच्छे से तेल में और दही में अच्छे से मैदा को मिक्स कर देंगे। इसको हमें टाइट हाथों से नहीं गूंदना, जैसे हम आटा गूंदते हैं ऐसे इनको हमें नहीं गूंदना, बल्कि हल्के हल्के हाथ से इसको हमें गूंदना है। अब ये देखिए अब तेल इसमें अच्छे से मिक्स होने लगा है। अभी हम इसको और गूंदेंगे थोड़ा सा। अब हम ठंडा पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के इसको हम और गूंद लेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी ले रही हूँ और ऐसे ही इसको हमें इसमें अच्छे से मिलाना है और इसको गूंद लेना है। इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाना है हमें। ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालें और थोड़ा थोड़ा करके ही इसको गूंद लें अच्छे से। इसे आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना, आप चाहे तो इसको बाहर भी रख सकते हो ताकि इसमें जो घी है वो अच्छे से इसमें जम जाए और तब हम अपनी रेसिपी बनाएं तो वो अच्छे से बने। ये देखिए मैंने ढक दिया इसको, अब इसको मैं 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया, ये देखिए 5-10 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा गूंद लूंगी। अब ये देखिए हल्के हाथों से हल्का सा इसको मैं गूंद लूंगी। अब इसको मैंने गूंद लिया है, अब इसके हम छोटे छोटे डो बनाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से गूंद गया है, अब इसके हम छोटे छोटे लोइया बना लेंगे। ये देखिए छोटे छोटे डो ले लेंगे इसके। अब हम अब ये देखिए हम थोड़ा सा डो लेंगे और ऐसे गोल गोल बनाकर उसके बीच में हम ऐसे छेद कर देंगे उंगली से या अंगूठे से। देखिए अब इनको हम अपनी बालूशाही की शेप दे देंगे। ऐसे ही करके मैं और भी बना लूंगी। अब ये देखिए दूसरे भी हम ऐसे ही बना लेंगे, हम ऐसे ही सारी अपनी बालूशाही बना लेंगे। देखिए मैंने सारी बालूशाही बना ली है। अब ये देखिए मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था, ये हल्का सा गर्म हो गया है। इसको हमें हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब जो हमने बालूशाही बनाई है वो इसमें मैं डाल दूंगी, एक एक करके हम इसमें सारी बालूशाही डाल देंगे। अब ये देखिए मैंने सारी इसमें डाल दी है। अब इनको हम धीरे धीरे गैस पे ऐसे ही फ्राई होने देंगे, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। तो धीरे धीरे हमें ऐसे ही इनको फ्राई होने देना है। अब ये देखिए ये ऊपर आने लगी है। अब
जब ये सारी ऊपर आ जाएगी तो हमें गैस को थोड़ा सा तेज कर देना है, मीडियम, और इनको थोड़ी देर ब्राउन होने तक पकने देना है। अब हम चाशनी बना लेंगे। पर ये मैंने कढ़ाई ले ली है, अब इसमें हम 2 कटोरी चीनी डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए, जिस कटोरी से मैंने चीनी ली है उसी से मैं इसमें पानी डालूंगी। मैं इसमें 5-6 कटोरी पानी डालूंगी। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब इसको हम हिलाएंगे और पूरी चीनी को अच्छे से इसमें मेल्ट कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। मैं इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दूंगी। देखिए, 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया है, हाफ और डाल दूंगी। तो इसमें मैंने 1 स्पून इलायची पाउडर डाला है। अब इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और चाशनी को थोड़ा सा पकने देंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, हमारी बालूशाही पक गई है अच्छे से। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। अच्छे से ये फ्राई हो गई है, इन पे कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब देखिए, हमारी सारी बालूशाही बन गई है। अब इनको हम चाशनी में डालेंगे। देखिए, अब चाशनी में हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे कलर के लिए। अब इसको हम अच्छे से इसमें धो के डाल देंगे और अच्छे से इसको हम चाशनी में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, कलर ऑरेंज ऑरेंज कलर अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम अपनी बालूशाही डाल देंगे। अब एक एक करके इसमें हम सारी अपनी बालूशाही डाल देंगे। अब ये देखिए, हमने सारी डाल दी है। अब थोड़ा हम चम्मच से इनको आपस में हिला भी देंगे तो एक दूसरे को पलट भी देंगे। अब चाशनी में इनको हम 5-10 मिनट तक डूबे रहने देंगे, फिर इनको हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए, इनमें अच्छे से रस चला गया है। अब इनको हम टोस लेंगे। बस इनको फिर से हम अच्छे से हिला देंगे ताकि सब में अच्छे से रस चला जाए। अब इनको हम प्लेट में रख लेंगे। पहले तो दोस्तों इस मिठाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब ये मिठाई कहीं लुप्त होती जा रही है। वैसे ये मिठाई खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, ये ख़राब भी नहीं हो सकती। इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती। अब मैं इन्हें आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी रसीली बनी है। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। दोस्तों एक बार आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने पुराने दिनों को याद कीजिए। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।